हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। खेल खिलाड़ी और उनकी जगह है, जहाँ पर यह खेल खेले जाएंगे और कितने खिलाड़ी इस खेल में खेलते हैं, इनके बारे में डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ये वीडियो देखना ना भूलें। ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है और उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 और यह कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है। एक बार और आपको दोहरा दें, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी खेलते हैं और यह कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पोलो खेल कहाँ खेला जाता है? तो पोलो खेल जो है वह फील्ड पर खेला जाता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। एक बार और दोहरा दें, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4 और यह फील्ड पर खेला जाने वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? तो क्या आप बता सकते हैं बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? तो यह कोर्ट पर खेला जाता है, इसमें 1 या फिर 2, इंग्लिश में सिंगल या डबल खिलाड़ी होते हैं और बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह कहाँ खेला जाता है कबड्डी? तो यह कोर्ट में खेला जाता है। एक बार और आपको दोहरा दें कि कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं और यह कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रग्बी फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? तो रग्बी फुटबॉल जो है वो पिच पर खेला जाता है और इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 15 या 15। रग्बी फुटबॉल जो है वो पिच पर खेला जाता है और इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। सही ऑप्शन है, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। अच्छा, वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है, क्या आप ये बता सकते हैं? तो यह कोर्ट पर खेला जाता है, वॉलीबॉल जो है वह कोर्ट पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी 7 खेलते हैं? क्या आप बता सकते हैं वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी 7 खेलते हैं? तो इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं, वाटर पोलो में कुल 7 खिलाड़ी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉकी खेल कहाँ खेला जाता है? क्या बता सकते हैं हॉकी कहाँ खेला जाता है? तो यह फील्ड पर खेला जाने वाला खेल है। अच्छा, हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो हॉकी में एक टीम से 11 प्लेयर यह खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और यह कोर्ट पर खेला जाता है। एक बार और आपको दोहरा दें, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और यह कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? जो बेसबॉल खेल है वह कहाँ खेला जाता है? तो यह खेला जाता है डायमंड, इसके जो जगह का नाम है वह है डायमंड। यह डायमंड पर खेला जाता है और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। एक बार और आपको दोहरा दें कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 और यह डायमंड पर खेला जाने वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्नूकर खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? स्नूकर खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1, केवल 1 खिलाड़ी स्नूकर खेल सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा खेल, उनसे जुड़े जगह और खिलाड़ियों की संख्या। एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो ये स्पेशल पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप रट लें, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे और हमारी डेली करंट अफेयर्स की एक क्लास पर डे आती है, तो आप इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।